कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं एक डेटा लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो। इफिशियंसी टाइम और वर्क डन के बीच एक रिलेशनशिप समझा रहा हूँ। ए की इफिशियंसी है 10 पेज पर डे और बी की इफिशियंसी है 6 पेज पर डे। तो खुद से एक सवाल करो, ए अगर हर दिन 10 पेज लिखता है, ऐसा वाला जो यूनिट होता है ना, इसी को इफिशियंसी बोलते हैं, 10 पेजेस पर डे, 10 पेजेस पर आवर। हर दिन वो अगर 10 पेज लिखता है तो 5 दिन में कितने पेजेस लिख डालेंगे? उसका टोटल वर्क होगा 10 × 5, दैट मीन्स 50। वो 50 पेज लिख पाएगा। ठीक वैसे इस बी के बारे में सोचो, इस बी का एफिशिएंसी कितना है? 6 पेज पर डे। और इनका टाइम कितना है? मान लो कि अगर 6 पेज हर दिन लिखने वाले को 8 दिन का समय दिया जाता है, 8 दिन तक उसे काम करवाया जाता है, तो वो कितना पेज लिख डालेगा? 6 × 8 करोगे ना, 6 × 8 तो कितना आ गया? 48 पेजेस। तो ये आपका वर्क डन है, 50 पेजेस, 48 पेजेस। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, इसको मैं एक एक्सप्रेशन के रूप में लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। ये जो ए की इफिशियंसी है, जो यहाँ पे 10 पेजेस पर डे है, मैंने उसको लिखा इवन। ए जो टाइम ले रहा है, टाइम को मैंने लिख दिया है, और ए ने जितना काम करा उसको मैंने बोला W1। तो आप मुझे बताओ ये W1 आपको कैसे मिला? E1 और T1 को मल्टीप्लाई करके मिला ना, दैट मींस E1 × T1, ऐसा करके ना आपको W1 मिला। सिमिलरली इस B के बारे में सोचो, 6 पेजेस पर डे अगर इसकी इफिशियंसी है, तो इसकी इफिशियंसी को मैंने बोल दिया A2। ठीक वैसे ही इसको 8 डेज अलॉट किया गया, तो इनके टाइम को मैंने बोल दिया T2, इनके वर्क डन को मैंने बोल दिया W2। तो यहां से फिर से एक रिलेशनशिप, E2 और T2 को मल्टीप्लाई करके W2 आया ना। तो आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज A2 × T2 = W2। तो अगर यहाँ से आपने E1 × T1 / W1 किया है, तो इस रिलेशनशिप पर ध्यान दो, क्या ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं दिख रहा? E1 × T1 / 1। ठीक वैसे ही E2 × T2 / W2 = 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करोगे, तो जनरली हमारे पास ये जो 1 है इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, और ये एक्सप्रेशन ऑलवेज इक्वल में होता है अगर एक ही तरह का काम करना है। यहाँ भी पेजेस हैं, यहाँ भी पेजेस है, अगर यहाँ पेज होता, यहाँ बिल्डिंग होता, तो हम इक्वेट नहीं कर सकते थे, बट यहाँ भी पेजेस हैं और यहाँ भी पेज ही टाइप करने हैं, तो एक ही तरह का काम है। उस एक ही तरह के काम को मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अदरवाइज सब कांस्टेंट समझ लो। तो E1 / T1 / W1 = E2 / T2 / W2। और अगर एक तीसरा इंसान C होता है, जिसकी इफिशियंसी E3 / T3 / W3, ऐसा ऐसा टाइमिंग और वर्क डन होता, तो ये एक्सप्रेशन आगे आप कंटिन्यू कर सकते थे विथ E3 / T3 / W3 = ……… जितने भी ग्रुप्स इंक्लूड हुए इसमें। तो ये आपका आज के पास एक फॉर्मूला बन चुका है, इसे आप याद रखना। इस फॉर्मूला में E1 क्या है? पहले ग्रुप या फिर सब्जेक्ट का इफिशियंसी। T1 क्या है? पहले ग्रुप या फिर सब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया, वो वाला टाइम। और W1 क्या है? पहले ग्रुप या सब्जेक्ट ने जितना वर्क किया, वो वर्क डन है। ठीक वैसे ही E2 क्या है? दूसरे ग्रुप या फिर सब्जेक्ट ने जितना इफिशियंसी लगाया, वो ग्रुप भी हो सकता है 2 men, 3 women, ऐसा वाला ग्रुप भी हो सकता है, तो इंक्लूड करके उसे क्या बोलोगे? E2। ठीक वैसे ही इसने जितना टाइम लिया, वो क्या कहलाया? T2। और इस ग्रुप ने या फिर इस सब्जेक्ट ने जितना भी काम करा, उसे बोला W2। और ये रिलेशनशिप आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब इस इक्वेशन में कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को थोड़ा सा और समझ लो। जैसे यहाँ पे टर्म्स मैंने लिखा है T1, ठीक है? तो इस T1 के बारे में मैं आपको एक ओरली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 days। तो यहाँ पे T1 आपको कितना दिख रहा है? 2 days। ये सिंपल सा बात है, बट अगर ऐसा लिखा हो, ए कैन डू ए वर्क इन 2 days वर्किंग 3 hours per day, 2 days वर्किंग 3 hours per day, हर दिन वो 3-3 घंटा काम करे। तो अब आप टाइमिंग देखोगे तो सोचो एक्चुअली में वो कितना घंटा काम कर रहा है, हर दिन 3 घंटा और 2 दिन, तो कुल मिला के 2 × 3 hours, एक्चुअली में तो वो 6 hours ही काम कर रहा है ना। ठीक है, तो आपने क्या किया? डेज और आवर्स को मल्टीप्लाई किया, D × H, ठीक है? अगर वैसे ही अगर उसमें मिनट भी इंक्लूड होता, तो आप यहाँ पे मिनट भी मल्टीप्लाई करते। तो ये याद रखना कि कभी भी गिवन क्वेश्चन में डेज और आवर्स और मिनट या फिर मंथ, ऐसे टाइमिंग के पेयर्स जो हैं कंटिन्यू लिखे हुए हो, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दो DHM। तो उस केस में ये फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा दिखेगा आपको, E1 D1 H1 / W1 = E2 D2 H2 / W2, और ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, E1 D1 H1, तो ये आपका एक्सप्रेशन है।
कंफर्म है। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिमाग में रखने हैं। अब इस पूरे डेटा में जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन करा उससे आपको सबसे बड़ा नोट पॉइंट क्या मिला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पूरे ऑब्जर्वेशन से आपको ये सबसे बड़ा पॉइंट मिला है, इसे याद रखना कि हर जगह आप क्या कर रहे हो, इवन इनटू टी1 एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद ही ना आपको वर्क डन मिल रहे थे। तो यही वर्क डन मैंने लिखा है, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू टी इनटू। तो अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये देखो एफिशिएंसी टाइम और वर्क डन वही कॉलम है, बट इस बार वर्क डन में क्या लिखा है 40 पेजेस दोनों में 40 पेजेस हैं। ठीक है, मतलब क्या है इन दोनों का, वर्क डन टू बी कांस्टेंट। अगर हम वर्क डन को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है, दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी क्या है 10 पेजेस पर डे और सेकंड वाले की एफिशिएंसी क्या है 8 पेजेस पर डे। ठीक है, ये ज्यादा काम करता है कम काम करता है। तो आप मुझे बताओ 10 पेजेस पर डे वाला इंसान 40 पेज लिखने के लिए उसको कितना दिन लगेगा। ये तो आप नॉर्मली सोच सकते हो ना कि अगर आप हर दिन 10 पेज लिखते हो और 40 पेजेस आपको लिखने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट होंगे। तो आप शायद ना 4 दिन में काम खत्म करोगे। ये 4 लाने के लिए आपने क्या किया, वर्क डन को इस एफिशिएंसी से डिवाइड करा ना, मतलब कि 40 को 10 से डिवाइड किया तब ना ये टाइम मिला आपको। तो ये याद रखना कि टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, वर्क डन को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे। कंफर्म है? ठीक, वैसे ही इस इंसान का एफिशिएंसी कितना है 8 पेजेस पर डे और इसे भी वही 40 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, तो 40 पेज लिखने के लिए इसका टारगेट क्या होगा भाई, कितने दिन में खत्म कर पाएंगे ये। इनका जो टाइम होगा T2 जो भी टाइम होगा इनका, ये 40/8 से निकलेगा, मतलब इनको 5 दिन लग जाएंगे। यहाँ भी आपने वही काम करा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इस डेटा से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इफ वर्क डन टू बी कांस्टेंट, अगर वर्क डन कांस्टेंट होगा तो एफिशिएंसी और टाइम के बीच में एक रिलेशन है, वो देख लो। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतना कम समय लगेगा। इफ वर्क डन टू बी कांस्टेंट देन एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ये सिंबल किसका है, प्रोपोर्शनल का, और रेसिप्रोकल में लिखा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही कम समय लगेगा। एक लास्ट टेबल और एक लास्ट मैंने ये लिया है कि वही एफिशिएंसी है 10 और 8 पेजेस। ठीक है, इस बार टाइम मैंने कांस्टेंट रखा है, टाइम 5 डेज। तो आप मुझे बताओ 10 पेज लिखने वाला 5 दिन में कितना काम कर पाएगा, टोटल 50 पेजेस टाइप हो पाएंगे इसके। और 8 पेजेस पर डे जिसकी एफिशिएंसी है वो 5 दिन में कितना काम कर पाएगा, 8 × 5 कराना आपने, तो यानी कि 40 पेजेस। तो इसके बारे में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो देख लो यहाँ पे। इफ टाइम इज कांस्टेंट देन एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। तो इतना जो मैंने अभी लिखा है, क्या इससे आपको एक कंक्लूजन मिल पा रहा है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू ई1 टी1 पहला ग्रुप और उसने जितना टाइम लिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड ग्रुप या फिर इंडिविजुअल्स और उसने जितना टाइम लिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो। ये टोटल वर्क का एक्सप्रेशन है, इनको 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 इक्वेट करके बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है और उसी पर क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे कम्प्लीट द सेम वर्क वर्किंग टूगेदर। जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, मैंने इसको शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या लिखा है, बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज, तो मैंने इसको ऐसा लिखा बी 15 दिनों में काम को खत्म कर देता है। तो काम को खत्म करने वाले जितने भी टाइमिंग है और जितने भी सब्जेक्ट है वहां पे ऐसा लिस्ट कर लेना और उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिख देना। व्हाट इज एलसीएम 10 और 15, 30। ये जो 30 है ये पूरे क्वेश्चन का टोटल वर्क, ये 30 है, ये कुछ नहीं, ये आपने सिर्फ अपने मन से कंसिडर किया। 30 के जगह 15, 17, 200, 700 XYZ कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल वर्क कंसिडर किया है कन्वीनियंट के लिए, इनका LCM 10 और 15 का LCM। और अब आपको ऐसा सोचना है कि आप मुझे बताओ 30 पेज लिखने हैं और 10 दिन में आप लिख पा रहे हो, मतलब हर दिन आप कितने पेज लिखते होगे, 30/10 ना, आपने पढ़ा भी है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताओ कि ए 10 दिनों में काम खत्म कर दे रहा है और टोटल वर्क कितना है 30 आपने एज अ माना, तो एफिशिएंसी कितनी होती होगी इसकी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो एफिशिएंसी का कॉलम आप यहां पर बना लो, 30 पेज लिखने में इस बंदे को 10 दिन लगता है तो हर दिन ये कितना पेज लिखता होगा, 30/10, That means 3। ये आप जितनी जल्दी लिख सकते हो लिख लो। वैसे ही अगर टोटल पेज लिखने हैं 30 और बी कितने दिनों में काम खत्म कर दे रहा है 15 डेज में, तो इस बेचारे की एफिशिएंसी कितनी होती होगी, 30 पेज को 15 डेज में लिख रहा है, इसका मतलब हर दिन वो दो दो पेज लिखता होगा। ठीक है, तो ये आपने एफिशिएंसी लिख दिया, तो बी की एफिशिएंसी निकल गई 2 और ए की एफिशिएंसी निकल गई 3। तो फिर से इस चीज को एक बार समझ लो, टाइम ए और बी के टाइमिंग को यहाँ पे लिस्ट कर लो,
लो इंडिविजुअल टाइमिंग, जितने टाइमिंग में ये काम को खत्म कर दे, ठीक है। तो ए कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, 10 दिन में, तो मैंने ए डैश देकर 10 लिख दिया। बी कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, 15 डेज में, तो मैंने बी डैश देकर 15 लिख डाला। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है, टोटल वर्क, पूरे क्वेश्चन का टोटल वर्क आपको कंसिडर कर लेना है। तो मैंने क्या कंसिडर किया, 10 डेज और 15 डेज का एलसीएम कंसिडर करोगे ना तो ये बहुत आसान होगा, अदरवाइज आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, 30, 15, 17, 18, एक्स वाई जेड कुछ भी आंसर से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ, बट अभी मैंने 30 कंसिडर किया है, तो आप मुझे बताओ 30 पेज लिखने में इसको 10 दिन लगता है, तो हर दिन ये कितना पेज लिखता होगा, इसकी इफिशियंसी कितनी होती होगी, 30 डिवाइडेड बाय 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक वैसे ही इस बी के बारे में सोचो, 30 पेज लिखने हैं, टोटल वर्क आपने 30 माना है ना, और ये बी 15 दिनों में काम खत्म कर दे रहा है, तो इस बेचारे की इफिशियंसी कितनी होती होगी, 2 होती होगी। और अब आपने पता करना है टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो टाइम का एक्सप्रेशन होता क्या, आप यहां से देख लो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो कौन सा वर्क आपको इन दोनों से कौन सा काम करवाना है, साफ साफ लिखा हुआ, इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब जो वर्क आपने माना था उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, इफिशियंसी कितनी है भाई दोनों की, जब दोनों मिल गए तो ये 3 पेज लिख रहा है उसी दिन, और उसी दिन ये पेज लिख रहा है 2 पेज, तो 3 + 2 = 5 इफिशियंसी हो गई ना इनकी, तो 5 से आप 3 + 2 = 5 से डिवाइड कर दो, तो 30 / 5 = 6 डेज, ये आपका आंसर है। आंसर तो आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और छोटा सा पॉइंट, मैंने यहाँ पे टोटल वर्क के बारे में एक पॉइंट बताया था आपको, कि आप यहाँ पे कुछ भी टोटल वर्क मान सकते हो, एलसीएम क्यों मानते हैं वो आपको कंफर्म हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। मैंने एक रैंडम डाटा ले लिया, रैंडम डाटा की 23, तो 23 आप मुझे बताओ, 23 अगर टोटल वर्क है और 10 दिनों में कोई इंसान खत्म कर दे रहा है, तो उस बेचारे की इफिशियंसी कितनी होती होगी, इज इक्वल टू W upon T, that means 23 upon में 10, confirm है? ठीक वैसे ही अगर 23 पेज लिखने हैं और 15 दिन में कोई इंसान काम खत्म कर दे रहा है, तो इस B की efficiency कितनी होती होगी, W upon T ना, तो 23 upon में 15, तो अब क्या हो जाएगा, time taken by A plus B निकालोगे, time taken by A plus B कितना होता है, work done upon efficiency, तो इस बार total work done आपने कितना माना, इस बार आपने 30 नहीं माना, आपने कितना माना है 23, तो इफिशियंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो ए की इफिशियंसी कितना है 23/10, और प्लस बी की इफिशियंसी 23/15, आपको ये सॉल्व करना है। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व करा, 23 ऊपर में है तो है, यहाँ पर 23 और 23 न्यूमरेटर वाला जो 23 है मैंने उसको कॉमन ले लिया, 23 को यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, 23 बाहर निकल गया, तो 1/10 ना, 1/10 प्लस, और यहाँ पे 23 कॉमन हुआ, तो 1/15, तो 1/, अब क्या करोगे, ये 23 को मैंने कट कर दिया, यहाँ पर बच गया है 1, और अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 15 का सबसे पहले आप क्या लोगे, एलसीएम, तो एलसीएम कितना 30, ये वही एलसीएम है जो हम लोग यहाँ पर आपको लेने के लिए समझा रहे थे, ठीक है। तो 30 10 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर 3 आया, और 15 से 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर कितना आया 2, ये वही 3 और 2 है जो यहाँ पर आया था, 3 और 2 इफिशियंसी, तो जो काम यहाँ पर कर रहे हो वही काम आपको यहाँ पर सिखाया गया था कि पहले ही कर लो, कुछ भी मानने से एक सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो आपका सिंपल नहीं रह जाता, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये कितना हो गया 30/3 + 2, और आंसर कितना 6 डेज। और यहाँ पर जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में आपने करा क्या, एलसीएम लिया था अल्टीमेटली, तो यहाँ पर जो 30 एलसीएम है वही 30 मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पहले से ही एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम मानने से होता क्या, यहाँ पे इंटीग्रल इफिशियंसी आते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और इंटीग्रल फॉर्म में होगा तो उसे आप लीनियर सम कर सकते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम ही मानते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, फाइंड टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे ऑल वर्किंग टुगेदर, अगर सब लोग साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी कैन डू वर्क 10, 12 और 15 और रिस्पेक्टिवली, है ना, इसका मतलब ए का टाइमिंग कितना है 10, बी का टाइमिंग 12 और सी का टाइमिंग 15, इतने दिनों में ना ये इंडिविजुअल्स जो है पूरे काम को ना खत्म कर देते हैं। तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या बताया था मैंने, इन तीनों का एलसीएम मान लो, और वो एलसीएम एक्चुअली में क्या मान रहे हो आप, टोटल वर्क, तो आपने टोटल वर्क कितना मान लिया, एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15, तो 60, ये 60 आपने टोटल वर्क कंसिडर कर लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि 60 पेज लिखने में ए को 10 दिन लग रहा है, तो इस बेचारे की इफिशियंसी कितनी होती होगी, 60 / 10, तो आप इसे डायरेक्ट बोल दो 6,
ठीक वैसे ही इस बी की इफिशियंसी कितनी होती होगी, 60 पेज लिखने में इसे 12 डेज लग रहे हैं, तो हर दिन ये कितना पेज लिखता होगा, 60 डिवाइडेड बाय 12, 5। ठीक वैसे ही 60 पेज लिखने में सी को 15 दिन लगते हैं, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है ये एक्चुअली में किसका कॉलम है, इफिशियंसी। तो ये डाटा आपको तुरंत लिख देना है क्वेश्चन देखते ही, जहां भी टाइम वर्क कंप्लीट करने वाला टाइमिंग जितने भी सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब्जेक्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आपने उसका सबसे पहले ये डाटा लिख देना है। तो अभी मैंने इतना डाटा क्रिएट कर दिया, अब लास्ट में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड टाइम टू कंप्लीट सेम वर्क इफ दे ऑल वर्किंग टुगेदर। तो अगर सब लोग साथ में काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने लिखा है टाइम टेकन बाय ए बी सी वर्किंग टुगेदर। ये सिंबल का मतलब क्या होगा, टाइम टेकन बाय ए बी सी प्लस प्लस है मतलब वर्किंग टुगेदर। तो कितना काम करवाना है, टाइम का एक्सप्रेशन होता क्या आपको सिखाया गया, टाइम इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो आपको इन तीनों से कौन सा काम करवाना है, दे वर्किंग टुगेदर और कंप्लीट द सेम जॉब ना, तो यही वाला काम करवाना है, ठीक है। तो 60 पेज लिखने के लिए ए बी सी तीनों मिलकर कितना एफिशिएंसी लगाएंगे, 6 + 5 + 4 दैट मींस 15। तो आपने 60 को 15 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज बट विद द हेल्प ऑफ सन ही कैन डू सेम वर्क इन 3 डेज। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, वो जो इंसान है उसको काम खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है, 5 दिन, ठीक है, 5 डेज। तो यहाँ पे मैंने टाइम का कॉलम लिख दिया 5, बट विद द हेल्प ऑफ सन ही कैन डू सेम वर्क इन 3 डेज। जो ये 3 डेज है वो किसी एक इंसान का टाइमिंग नहीं है, विद द हेल्प ऑफ सन मतलब कि वो इंसान अपने सन के साथ, मतलब वो जो आदमी एम माना है मैंने, वो अपने सन के साथ कितना टाइमिंग ले रहा है, 3 डेज, 3 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, तो 3 डेज। तो ये जो टाइमिंग था ये दो इंसानों का था, तो मैंने यहाँ पे एम प्लस एस लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको अपने मन से इस क्वेश्चन के लिए टोटल वर्क कंसिडर करना है, वो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ज्यादा आसान होगा कि आप इनका एलसीएम कंसिडर करो। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना, 15। ये 15 जो है ये आपका टोटल वर्क है इस क्वेश्चन के लिए। कहने का मतलब है कि अगर 15 पेज लिखने हैं तो ये इंसान अगर 5 दिन में कंप्लीट लिख देता है तो आप बताओ कि हर दिन ये कितना एफिशिएंसी होता होगा इसका, 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट मींस 3। इसका एफिशिएंसी कितना, 3। और अगर टोटल वर्क 15 है, 15 पेजेस लिखने हैं, तो और ये 3 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है दोनों मिलकर, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिला जुला एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ऐसे करके आप एफिशिएंसी निकालते हो। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ गया, 5। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस सेंटेंस को ऐसा लिख सकते हो, दो इंसान मिलकर अगर 5 पेज लिख रहे हैं उसमें से एक इंसान 3 पेज लिख रहा है, तो ये अकेला कितना लिखता होगा, 5 - 3 - 2। That means efficiency of S is equal to efficiency of M plus S minus efficiency of M. Efficiency of M plus S, M plus S का efficiency कितना दिख रहा है आपको, 5। तो 5 minus efficiency of M कितना दिख रहा है, efficiency of M is equal to 3। तो 5 - 3 minus किया तो efficiency कितना निकल गया, 2। तो ये काम ना आप orderly यहाँ से देखकर कर सकते हो कि M का efficiency 3 है, M plus S का efficiency 5 है, तो S का efficiency कितना होगा जी, अच्छा 5 - 3 होगा। Efficiency of sun is equal to 2। अब आपसे पूछा क्या गया है, find time taken by sun to do that work alone, मतलब कि वो sun जो है वो अकेला काम कितने दिनों में खत्म करेगा। तो time taken by S, इसका क्या मतलब है, time taken by sun is equal to, time का expression होता क्या है, यहाँ से आप समझ सकते हो, T is equal to W upon E, work done upon efficiency। तो इस सन से कितना काम करवाना है, 15, और इस सन का efficiency कितना निकाला है आपने, 2, तो 2 से divide कर दो, work done upon efficiency is equal to 7 whole 1/2, ये आपका answer है। आपका timing days में था तो यहाँ भी आपका timing क्या होगा, days में, ठीक है। Next question, question number 4, A can do a work in 16 days, B can do same work in 12 days, with the help of C they can complete the work in 4 days only। इस वाले डाटा में क्या लिखा है, ये एक सब्जेक्ट है A, ठीक है, इसको कितना दिन लगा काम खत्म करने में, 16 days, 16 days में ये पूरा का पूरा काम खत्म कर देता है, A complete work in 16 days। वैसे ही B के बारे में क्या लिखा है, B can do same work in 12 days, तो B को काम खत्म करने में 12 डेज लगते हैं। और जो थर्ड सेंटेंस है उसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 4 डेज ओनली, मतलब ये जो 4 डेज है इस 4 डेज में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, दे कैन कंप्लीट द वर्क और विद द हेल्प ऑफ सी लगाया ना, तो दे मीन्स ए और बी और सी तीनों मिलकर। तो ये जो 4 डेज है, 4 डेज, ये टाइमिंग
प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का है ठीक है, तीनों मिलकर चार दिन में काम खत्म करते हैं, सेंटेंस का ये मतलब है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने टोटल वर्क मानने थे, तो टोटल वर्क आप कितना मान लोगे, एलसीएम ऑफ 16, 12 और 4, एलसीएम ऑफ 16, 12 एंड 4 इज इक्वल टू 48। इसके बाद 48 टोटल वर्क अगर आपने माना है, टोटल वर्क, तो इस ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, आप क्या निकालने जा रहे हो, इफिशियंसी, इफिशियंसी के कॉलम में इस ए का एफिशिएंसी कितना है, 48 पेज लिखने हैं और 16 डेज में काम को खत्म कर देता है, तो 48 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज, तो ये डाटा आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना, आपने एफिशिएंसी का कॉलम निकालना है ठीक है। तो एफिशिएंसी का कॉलम निकालने के लिए टोटल वर्क 48 है और 16 डेज में ये इंसान काम खत्म कर दे रहा है, तो हर दिन वो कितना पेज लिखता होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो 48 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 3। सिमिलरली 48 पेज लिखने और ये 12 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 ठीक है, तो इनको डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, और ये तीनों मिलकर 4 ही दिन में खत्म कर दे रहे हैं ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 48 है ना, तो 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ये जो 12 है वो इस तीनों का एफिशिएंसी है ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए। देखो मैंने क्या करा, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी, मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दोगे तो ए सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू तीनों का एफिशिएंसी कितना है 12, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 12 पेज लिखते हैं, उसमें से ए कितना पेज लिखता है 3 और बी कितना पेज लिख रहा है 4, तो आपने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 5। तो टाइम टेकन बाय सी आपको निकालना है, तो टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है आपको फॉर्मुला बता रखा है, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी, ये जो सी है इसकी एफिशिएंसी 5 है और इनसे करवाना कितना काम है 48, तो टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, तो वर्क डन कितना काम करवाना है इनसे 48, और 48 को आपने 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 9/3/5 डेज। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, B and C together can do it in 3 hours. A and C together will do it in 2 hours. How long will B alone? तो देखो first sentence में क्या लिखा है? A can do a piece of work in 4 hours. तो A जो है ना इसको काम खत्म करने में कितने time लगते हैं? 4 hours. Next sentence है B and C together can do it in 3 hours. तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है. Last sentence लिखा है while A and C together could do it in 2 hours. तो ये जो A और C है ये दोनों आपस में मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करते हैं? 2 आवर्स में ठीक है। तो ये डाटा आपका लिखा हुआ था, इसके बाद यहाँ पर कौन सा कॉलम लिखा है आपने, टाइमिंग का, और ये टाइमिंग है कि इसमें सारे टाइमिंग ना आवर्स में लिखे हुए हैं, ये सारे एक यूनिट में होने चाहिए ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम मान लो, व्हाट इज एलसीएम 4, 3 एंड 2 12, ये 12 क्या है, ये कुछ नहीं है, ये टोटल वर्क है, इस क्वेश्चन का टोटल वर्क आपने कितना मान लिया है 12। और अब इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, 12 पेजेस को लिखने के लिए अगर एक को 4 दिन लग रहे हैं तो हर दिन ये बेचारा कितना पेज लिखता होगा 3 पेज ठीक है। तो हर दिन इसकी एफिशिएंसी क्या होती होगी पर यूनिट टाइम, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3, ये एफिशिएंसी का कॉलम हो गया ठीक है। वैसे ही बी प्लस सी, ये बी प्लस सी दोनों मिलकर 3 घंटे में 12 पेज लिख डालते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती होगी 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4, कंफर्म है ठीक। वैसे ही ये A प्लस सी दोनों मिलकर 2 ही घंटे में काम खत्म कर देते हैं ठीक है 12 पेजेस को, जिसका मतलब A और C मिलकर कितना पेज लिखता होगा 6, 12 डिवाइड बाय 2। ये डेटा लिखने में मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेंगे ठीक है, सबसे पहले तो ये आप लिखकर रेडी कर लो। इसके बाद क्वेश्चन पे फोकस करो, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, बी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो क्या बी की एफिशिएंसी आपके हाथ में है? बिल्कुल नहीं। तो इतना जो डाटा दिया ना, इसी डाटा से आपको B की एफिशिएंसी निकालनी है। तो पहले तो इसको ओरली बना लो, A प्लस C की एफिशिएंसी 6 है और A की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब C की एफिशिएंसी 6 माइनस 3 मतलब कि 3 ठीक। वैसे ही C की एफिशिएंसी 3 होगी, जब यहाँ पे 3 आपने पुट किया तो B की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। इसको मैं थोड़ा सा लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, एफिशिएंसी ऑफ C इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ A प्लस C माइनस एफिशिएंसी ऑफ A। इस C की जो एफिशिएंसी है वो A प्लस C वाले ग्रुप में से अगर A की एफिशिएंसी को आप माइनस कर दोगे, A प्लस C की एफिशिएंसी में से A की एफिशिएंसी को अगर आप माइनस कर दोगे तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये किसकी एफिशिएंसी निकाल लोगे आप C की। ठीक वैसे ही इस B प्लस C वाले ग्रुप पर फोकस करो, इसकी एफिशिएंसी कितना है 4, तो एफिशिएंसी ऑफ B अगर आपको निकालना है तो एफिशिएंसी ऑफ
बी प्लस सी इस ग्रुप की इफिशियंसी में से अगर आपने सी की इफिशियंसी को माइनस कर दिया तो किसकी इफिशियंसी बच जाएगी, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी मिलकर कितने पेज लिख रहे हैं, चार पेज हर दिन लिखते हैं, उसमें से सी अकेला कितना पेज लिखता है ये आपने निकाला है, थ्री। तो इफिशियंसी ऑफ बी कितना निकल गया, वन। तो इस तरीके से आपने बी की इफिशियंसी निकाल ली। और ये काम यकीन मानिए ओरली किया जा सकता था, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के यहाँ पर लिखा है। नाउ अब आपसे क्या पूछा गया था, टाइम टेकन बाय बी, लास्ट सेंटेंस देख लो, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, बी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करता है। तो टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू टोटल काम कितना था, 12 को बी अकेला, तो बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, बी की एफिशिएंसी कितना निकाला आपने, 1, तो आपने 1 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आया, 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर यूनिट किसमें था, आवर्स में। इतने चीजों को आप एक और तरीके से कर सकते हो, ये देखो इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो, मतलब इस सारे ग्रुप को अगर आप ऐड करते हो, तो ए और ए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2a, वैसे सी और सी कितनी बार है, 2c, और ये बी अकेला तो प्लस में बी। इन तीनों को जब आपने ऐड किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इफिशियंसी है उनको भी ऐड कर दो। तो जब आपने इनको 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 ऐड करा तो 3, 4, 6 कितना आ गया, 13, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 और 2 इनमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया ए और प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 13। इस ग्रुप पे फोकस करो, इस ग्रुप का इफिशियंसी आपके हाथ में है 6, तो 2 इंटू 6, और इसके बाद वही काम किया, टीवी इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, 12 आवर्स, कन्फर्म।